तो दोस्तों ये गुड्डा था, ये जिसके पीछे ये इतनी स्ट्रगल कर रहे थे और ये ले लिया इन्होंने। बाकी आप आसमान पे देखें, गुड्डे देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप लोगों ने साथ रहना है मेरे। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक किया करें। आपके प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। आपका जो प्यार मिल रहा है उसका मैं अगेन थैंक्स करूंगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आज भी मेरे साथ मेरा भाई है और अभी आज संडे का दिन है तो आज तो व्लॉग पता है आपको मज़े का होने वाला है क्योंकि संडे को हम काइटिंग वगैरह करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं एक जगह कबाड़ देने जा रहे हैं, वो बस उठाते हैं और वो देख आते हैं। आप भी साथ रहिए हमारे, ठीक है, साथ साथ चलते हैं। तो बाकी का जो व्लॉग है वो शाम को माहौल बनेगा सही वाला, शाम को हम लोग मज़ा करेंगे। तो चलिए अभी हमारे साथ दोस्तों। वो देखें सामने हमारा बाइक खड़ा है। अब्बू जो हैं वो अभी गए हैं, पीछे मिस्त्री आए हुए हैं मकान में तो उनको कुछ सामान पकड़ाने गए हैं, वो आते हैं अब्बू तो फिर हम लोग चलते हैं। और इकराम को मैं साथ इसलिए लेके जा रहा क्योंकि उसको ट्यूशन का टाइम हो गया, वैसे ही भाग रहा होता है ट्यूशन से, उसको फिर मैं नहीं लेके जा रहा, वो ट्यूशन जाएगा। तो अब्बू और मैं जो है वो देने जाएंगे कबाड़। तो बाकी जो है उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा। अच्छा दोस्तों, मेरे दोनों हाथ में बोरे थे और मैं वीडियो नहीं बना सका लेके जाते वक्त, तो अभी मैं देख रहा चुका हूँ। तो अभी घर जा रहा हूँ, घर जाते हैं तो फिर आपको बाकी बताते हैं। अच्छा दोस्तों, रास्ते में मुझे भाई मिल गए हैं, अभी इनके साथ हम जा रहे हैं सिक्स रोड। आपको भी सिक्स रोड की सैर कराते हैं, आप भी साथ रहिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी मैं बैंक में आया हूँ दोस्त के साथ, तो यहाँ से जैसे ही फारग होते हैं तो हम लोग आगे चलेंगे एक जगह से गोश्त लेना है, वहाँ से गोश्त लेंगे और फिर घर की तरफ चलते हैं। घर जाके फिर देखूँगा क्योंकि बताए बगैर आए हूँ, तो देखते हैं क्या होगा घर जाके। तो अभी तो हम इधर बैंक में आए हुए हैं, आप बैंक बिल्कुल आ खाली है, एक भाई का कोई काम था इस वजह से आए थे। अच्छा दोस्तों, अभी हम बैंक से निकल चुके हैं और जा रहे हैं गोश्त लेने के लिए। तो बैंक में बड़ा इंतज़ार करवाया है भाई ने, तो अभी चलते हैं गोश्त लेने और वहाँ का सिचुएशन आपको सारी दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, हम चिकन शॉप पे आ चुके हैं और ये देखें ये चिकन शॉप है, ये देखें साथ। यहाँ से हम लोग चिकन तो नहीं बल्कि गोश्त लेंगे, गोश्त शॉप पे आई हैं तो यहाँ से गोश्त लेते हैं फिर आपको आगे एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ठीक है, साथ रहिए हमारे। अच्छा तो दोस्तों, आपको एड्रेस भी बताता चलूँ, जो शॉप है वो सिक्स रोड से राइट साइड पे ढोक प्राचा है। यहाँ पर अमीन भाई और जावेद भाई की शॉप है, जावेद भाई की मटन की शॉप है और अमीन भाई की बीफ की शॉप है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का इनके पास मीट होता है, कभी आपका गुजर हुआ यहाँ से तो ज़रूर इनका गोश्त ट्राई कीजिएगा। वीडियोस में आप देख सकते हैं पीछे क्लिप्स हैं कि दुकान की सफाई और कितना मज़े का माहौल था दुकान का। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से जो है ना मीट परचेज़ करें, आपको यहाँ का मीट बहुत पसंद आएगा। अच्छा दोस्तों, ये देखें भाई टीवी देख रहा है, ये भी व्लॉग देखता रहता है। अच्छा, और चाय आ चुकी है, ये देखें, और अब मैं चाय पी रहा हूँ और ये इकराम का व्लॉग एंड हो जाए तो इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और अपना जो है पतंग वाला सिस्टम वो शुरू करते हैं। तो बस व्लॉग का इंतज़ार है कि वो ख़त्म हो गया। इकराम को व्लॉग्स का बहुत शौक है, ये हर किसी का व्लॉग देखता रहता है और कुछ व्लॉग्स हैं जो ये डेली देखता है, तो उनमें मेरा भी शामिल है, अपने भाई का भी देख लेता है। तो बाकी चाय पीते हैं और इसके बाद ऊपर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी मैं छत पर जा रहा हूँ, बल्कि पहले आपको दिखाते हैं गुड्डे और उसके बाद गुड्डे उड़ाने भी हैं। तो गुड्डे आपको मैं दिखाता हूँ, इकराम पता नहीं किधर गया, इकराम छत पर बल्कि गया था, मुझे बता रहा था मैं छत पर जा रहा हूँ, तो इकराम छत पर गया और जी गुड्डे पीछे बहुत हो। तो तुम अपने गुड्डे तो दिखाओ ना, ये देखें जी इंडियन झंडे वाले स्टाइल में गुड्डा है और इकराम गुड्डा उड़ा रहा है। तो गुड्डे उड़ रहे हैं भाई, काफी गुड्डे उड़ रहे हैं।
हम भी उड़ाने लगे हैं, आज संडे है, आज तो मजा करेंगे। गुड्डे उड़ाने वाले दिन में तलाश कर रहा होता हूँ, बस आज मिल गया तो गुड्डे उड़ाते हैं। इकराम अभी ये उन 6 गुड्डों में से एक गुड्डा ये भी है, बाकी जो हैं वो नीचे पड़े हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत गुड्डे हैं, तो वो भी अभी लाएंगे ऊपर उड़ाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी ये आप देख सकते हैं तब्दीली आई रहे, हम लोगों ने गमले जो हैं वो नीचे शिफ्ट कर दिए हैं, वो देखें सामने पड़े हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ऊपर जो है बिल्ली ने काफ़ी ख़राब कर दिया था काम, तो अभी इस वजह से हम लोगों ने गमले नीचे शिफ्ट कर दिए हैं। बाकी आज गर्मी बहुत थी दोस्तों, ये देखें वो देखें सामने गुड्डा उड़ा, तो मैं भी ऊपर चढ़ता हूँ और गुड्डा उड़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखें पीछे कहीं गुड्डा गिरा है, तो फ्रेंड और इकराम जो हैं वो पीछे चले गए हैं। तो दोस्तों ये गुड्डा था ये जिसके पीछे ये इतनी स्ट्रगल कर रहे थे और ये ले लिया इन्होंने। बाकी आप आसमान पे देखें, गुड्डे देखें, तो अभी हम उड़ाते हैं। ये डोर शोर रेडी है सब कुछ, बस ये गुड्डे को ज़रा सेट कर लें तो ये उड़ाते हैं। और भी गुड्डे पड़े हैं नीचे पड़े हैं, कुछ भाई ये ऊपर ले आए हैं गुड्डे, तो कुछ नीचे पड़े हैं हमारे पास, तो बस अभी करते हैं शुगल वगैरह। ये उड़ने लगा है गुड्डा, ये देखें जी कितने मजे का गुड्डा है। वो यार खेचो ना डोर टूट ही ना जाए, ये देखें कितने मजे का गुड्डा। अच्छा दोस्तों हमने ये दूसरा गुड्डा उड़ाया फिर, क्योंकि वो था बहुत बड़ा और भारी था, उससे डोर टूटने का खतरा था, तो इसलिए हमने कहा ये उड़ा लेते हैं पहले। अच्छा दोस्तों ये अभी हम लोगों ने एक और गुड्डा उड़ाया है, रुके मैं फोकस कर सकूं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, तो जो पहले 2-3 गुड्डे उड़ाए हैं वो कट गए हैं, उस रेड वाले गुड्डे ने काटे हैं, बहुत दूर है वो, उसने हमारा गुड्डा काट दिया है। तो बाकी अभी और गुड्डे लाते हैं, ये डोर है, इकराम गुड्डा उड़ा रहा है। तो दोस्तों ये देखें हमने एक इंडियन गुड्डा उड़ाया है, ये देखें कितने मज़े का इंडियन गुड्डा है। अभी दोस्तों हमने अपने 3 गुड्डे कटा दिए हैं और एक भी नहीं काटा अभी तक, तो अब हमारा भी दिल कर रहा है गुड्डा काटें, लेकिन कोई मौका ही नहीं लग रहा। एक बंदा है प्लेयर, उसने उड़ाया हुआ है, वो सबके काट ही जा रहा है, तो कोशिश करते हैं उसका हम काट लें। ठीक है तो बाकी मगरिब का टाइम हो चुका है, अब हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं, लेकिन चलें जब तक रोशनी साथ देती है तब तक उड़ाते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये देखें भाई जा रहे हैं, जो आज हमने मज़े करने थे कर लिए हैं और अब टाइम हो गया है, अब मगरिब हो गई है और अब हम लोग घरों की तरफ जा रहे हैं। ये देखें इकराम भी उतर रहा है, इकराम भी जाने लगा है और मैं भी जाने लगा हूँ। ये देखें कितने मज़े का व्यू है। तो ठीक है दोस्तों अब नीचे चलते हैं। अच्छा तो दोस्तों हुआ ऐसा है कुछ कि एक छत पे गुड्डा गिरा है, इकराम और दानी भाई जो साथ मेरे थे फ्रेंड वो गए हैं, गुड्डा उन्होंने मुश्किल से उठाया और लेकर आए हैं। वो गुड्डा बड़ा था, हमने आपको उड़ाते हुए ब्लू कलर का दिखाया भी था, तो वो केमिकल्स टूट गया था इसलिए हमने उतार के रखा, वो जी गलती से ले गए दानी भाई। तो इकराम अब रो रहा है और कहता है कि मेरा गुड्डा वो ले गए, तो इसीलिए मैं इकराम के गुड्डे नहीं दिखा सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगा कि वो गुड्डे दिखा दूँ, अभी टाइम बहुत अप हो गया और व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया, तो इस वजह से मैं व्लॉग को एंड करने लगा हूँ। तो जिस जिसने वीडियोस को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में और आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके बताया कीजिए ताकि हम मज़ीद कोशिश करें इससे अच्छे व्लॉग लाने की और हमें पता चल सके कि हमारे व्लॉग्स कैसे हैं। ठीक है अच्छा दोस्तों आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।